हेलो हाय यूरन, स्टॉक ट्यूबर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले आईटीसी शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे बात करें आईटीसी के साइड, तो देख सकते हैं आईटीसी ने आज के दिन कैसा फ्लो मेंटेन की हुई है। आईटीसी अभी के टाइम में राइट नाउ 443 रुपीज पे करंटली ट्रेड करती हुई दिख रही है। यहाँ पर डाउनफॉल से लेके ऊपर तक तेजी बनते हुए दिखी, मतलब उतार चढ़ाव कहने का मतलब है, बनते हुए दिख रही है। 5 डेज पे बात करें तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड को, मतलब यहाँ से थोड़ा डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखिए, यहाँ पे 440 तक आने का चांसेस बना सकती है शेयर्स। यहाँ पे इसी तरीके से फ्लो है और यहाँ पे 1 मंथ में हमें एक चीज और देखने को मिल रहा है, 39 से ब्रेक करते हुए नहीं दिखे, मतलब 37 तक चली गई थी, बट यहाँ पे 440 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाती है। यहीं पे अगर बात करें तो 6 मंथ से देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है इस पॉइंट से, मतलब उससे पहले तो ऑफ कोर्स तेजी थी, बट इस पॉइंट से हमें एक अच्छा तेज डाउनफॉल देखने को मिल गया, जहां पे 10% तक अप्रोक्स हमें डाउन आते हुए दिख चुकी है। और क्या शेयर्स डाउन आएगी, यही सबका सबसे बड़ा डाउट है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले 440 तो मैं आपको बोल दिया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज बनता है, बट उसके नीचे भी आ सकती है, तो 435 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो मैं यही बोलूंगा 35 to 40, 400 नहीं जो रहा हूं मैं, बोल रहा हूँ 35 to 40 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, तो उसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में तो बात किया, बट आप लोग को एक और चीज बताता हूँ। अभी जस्ट मैंने एक और वीडियो अपलोड की ABFRL की, तो ये वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे मिल जाएगी। तो इसमें पूरी डिटेल बात किया हूं मैं इस शेयर्स के बारे में, और ये वीडियो देखना, कसम से बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर अच्छा प्रॉफिट गेन करना है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। यहीं पे अगर बात करें आगे के साइड फ्लो देखने को, तो देख सकते हैं डिविडेंड पे डिविडेंड, लगातार डिविडेंड पे डिविडेंड मिली है, और आपको पता है आईटीसी डिविडेंड के नाम पे अलग ही इसका रुतबा है। अब उस रुतबे को मेंटेन करना है तो अब शेयर्स भी तो मेंटेन होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स एक टाइम पे 200 पे शेयर्स ट्रेड करने वाली आज के दिन 400+ पे ट्रेड करिए, तो इससे अच्छी बात वो और क्या होगी। बट यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स में कोई कमी नहीं है, होल्डिंग्स अच्छी खासी लगातार बनते हुए दिखे, और आज के दिन कितनी होल्डिंग्स बननी है ये उसके बारे में भी देखेंगे। बट यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम सब बहुत ही अच्छे ट्रेड होते हुए, 83% बाइंग, 17% सेल, 0% होल्ड। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बोलूंगा वो स्टॉप लॉस अपना मत भूलिएगा, स्टॉप लॉस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। रेवेन्यूज के साइड बात करें तो रेवेन्यूज क्या ही खतरनाक वे में ऊपर जाते हुए दिखी है, लगातार आपको एक रेवेन्यूज में तेजी बनते हुए दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यूज में तेजी, तो ऑफकोर्स नेट प्रॉफिट में भी तेजी बनते हुए दिखेगी। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे ईपीएस में भी अच्छी खासी है, आरओई की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेजी है, 27.75 अभी करंट सिचुएशन में बात करें तो, और डेप्थ के बारे में बात करें तो 0। यहाँ पे एक चीज है देखने लायक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार अच्छी खासी बनते हुए दिखी और एक सेम सिनेरियो मेंटेन करते हुए दिखा है हमें, किस ईयर से, 2020 मार्च 2023 से जून 2023 को एक सेम सिनेरियो, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, बट ये छोटा पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, यहाँ पे सितंबर में भी तेजी था, उसके बाद दिसंबर में ऑफकोर्स तेजी बनते हुए दिखी, बट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डाउन, मतलब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखी, और लास्ट में भी अभी भी कुछ पॉइंट्स बढ़ते हुए दिख रही है। तो सितंबर कब का बात है, सितंबर से बात करें 2022, तो एक बार यहाँ पे सितंबर की साइड भी नजर डाल ही लेते हैं। तो सितंबर 2022 की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिनेरियो से, मतलब इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट से सबको मतलब यहाँ से तेजी जो बनाई है, और वहां पे एक अच्छा खासा होल्डिंग्स बनते हुए कहाँ पे दिखा था, इस पॉइंट से देखने को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा होल्डिंग्स बनते हुए दिखा था, और उधर से एक गजब की तेजी देखने को बन गई थी। अब इस सिनेरियोस को थोड़ा अलग रखते, अब थोड़ी डिफरेंट चीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक बाकी सारी यहाँ पे इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके बारे में भी जानते हैं, बट हम लोग थोड़ा चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, तो सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज यहाँ पे आ जाता है, 35 तक बात किया था, 36 तक अभी तक डाउन आ चुकी है, 36 क्या यहाँ तक डाउन गई है ऑलमोस्ट, तो 37 ही बोलूंगा मैं इसको, 36.95, 436.95, तो हाँ गई है ऑफकोर्स, यहाँ पे एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। और यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं 35 तक क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, यहाँ पे ऑफकोर्स ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि फेक ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिल सकती, मिल सकती है फेक ब्रेकआउट, ऑफकोर्स मिल सकती है, तो इसलिए आपको 30 तक तो
मे बी मैं बोल रहा हूँ 30 तक मे बी वेट करना पड़ जाए, बट अगर आप लोग यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे बाइंग कर सकते हो तो ऑफकोर्स 30 तक आप लोग वेट कर सकते हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज कर देती है तो आपका तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो सकता है, और इसके बाद अगर ट्रेंड चेंज करती है तो मुझे नहीं लगता कि रुकते हुए दिखेगी 500 के लिए। तो अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी सारे टाइम में भी एक सिनेरियो बनते हुए दिखी है, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, मतलब अभी तो मेंटेन की हुई है, बस आगे और डाउनफॉल ना हो यही इसी की उम्मीद है। बट अगर हम लोग आगे एक और चीज की भी बात करते तो यहाँ पे होल्डिंग जिस तरीके से हमें बनते हुए दिख रही है, मतलब सिक्स ऐसे भी मतलब आईटीसी में होल्डिंग्स हमेशा बनते हुए रहती है, यहाँ पे 67.34 अच्छी खासी होल्डिंग्स बनते हुए दिख रही है मार्केट में। बट यहाँ पे जब मैं मुझे जहां तक याद है मैं जब यहाँ पे इस पार्ट पे जब ट्रैक कर रहा था इसे, तो इसमें थोड़ा सा अजब गजब का फ्लो देखने को मिला था उस टाइम, इसमें होल्डिंग्स में बहुत ज्यादा ही कमी थी, तो यह समझ में आ गया था कि उधर से डाउनफॉल होने का पूरा चांसेस बन रहा है, और यहाँ से जो डाउनफॉल होते हुए दिखी वो बहुत ही गजब की डाउनफॉल थी। देख सकते हैं एक डायरेक्ट डाउनफॉल बहुत ही बड़ी बात होती है, और यहाँ पे अभी सिनेरियोस पूरी की पूरी चेंज है, तो आपको ये चीज सपोर्ट में मैं बोलूंगा टारगेट से ज्यादा आप इसमें तो सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, टारगेट से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा। एचयूएल की बात करें तो एचयूएल भी मैं आप लोगों को लगातार बताता हूँ, क्योंकि एचयूएल बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटर कंपनी मैं बोलूंगा इसको, और ये अभी के टाइम में इसमें तेजी बनते हुए पूरा का पूरा चांसेस है कि तेजी बनते हुए आपको मार्केट में दिखेगा। ये शेयर्स है खतरनाक शेयर्स है, अच्छी फ्लो मार्केट में है, और जल्दी ही ये भी शेयर आपको 2700 तक जाते हुए दिख सकती है। तो आईटीसी को कंपटीशन देने में तो ये शेयर्स की भी कोई कमी नहीं है, और आपको पता है आईटीसी सिगरेट से बनाती है, और ये सब बनाने में तो इसके इसमें भी मतलब अलग ही इसका मोनोपोली मार्केट है, इसमें मोनोपोली तो नहीं बोल सकता, ऑलमोस्ट सिगरेट सबको लेके 70-80% मार्केट कैप्चर इसी के थ्रू किया गया है, ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। और यहाँ पे इस चीज के चलते मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक अच्छा मोनोपोली मार्केट क्रिएट कर देती है। और डिविडेंड के साइड बात करें तो डिविडेंड में तो कोई कमी नहीं होते हुए दिखती है, कभी भी नहीं, कभी भी मुझे नहीं लगा कि कोई कमी होते हुए दिखी, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड बनाते हुए रेगुलर बेस में दिखी है। तो अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पे, तो आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और लगातार आप लोग के लिए वीडियो अपलोड होते रहती है, तो प्लीज वो भी वीडियो को जाके देखिए, और जो भी डाउट हो आप क्लीन एंड क्लियर मेरे से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग जाके मुझे यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं, मतलब मेरी टीम आपको सबसे जल्दी ही मैसेज कर देगी, मैसेज बैक जो भी डाउट हो आपका। और अगर आप लोग को फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी अपस्टॉक्स में जिसमें नामात के बराबर ब्रोकरेज चार्ज लगती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइस।